नमस्कार योगीश, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लेकर आया हूँ भारतीय विद्वन में जो योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। तो उससे पहले मैं आपको भारतीय विद्वन के बारे में छोटी जानकारी देने जा रहा हूँ। शिक्षा, कला और संस्कृति को समर्पित भारतीय विद्या भवन 7 नवंबर 1938 को डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा स्थापित एक चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भवन के दिल्ली केंद्र की आधारशिला रखी थी। यहाँ कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर मैं आपको योग में जो कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए योगी, स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है भारतीय विद्या भवन, या आप गूगल में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भारतीय विद्या, तो भी आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आज मैं भारतीय विद्या में जितने भी हुए कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या ड्यूरेशन है और कितनी फीस है। आपको कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं कोर्स लिखा है, कोर्स एडमिशन में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको योग में जो कोर्स होता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसे हम योग पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कोर्स एडमिशन आ जाएगा, और उसका आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कोर्स ऑफर्ड बाय भवन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ कोर्स होते हैं वो यहाँ लिखे हैं, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन योग विद्या, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन योग विद्या, 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन योग विद्या, 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन योग विद्या। बैचेस जो हैं आप देख सकते हैं फरवरी और अगस्त में होते हैं, और क्लासेस जो हैं वो आपकी ट्विंस इन द वीक, मतलब आपकी हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। जैसे कि आपको थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा यहाँ से पार्ट टाइम कोर्स है। बाकी आप क्लासेस टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, मॉर्निंग क्लास जो आपकी 7 AM से 9 AM होगी, और 9:15 से 9:30 ये होगी, ठीक है। और इवनिंग में भी आप देख सकते हैं टाइमिंग लिखा हुआ है 5 से 7, 6 से 8 बजे। आगे देख लेते हैं, 75% क्लास अटेंड इज डिजायर फॉर द स्टूडेंट, मतलब आपको 75% क्लास अटेंड करनी ही होगी। उसके बाद आप सकते हैं आगे लिखा है देयर विल बी रिटन टेस्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स, स्टूडेंट मस्ट क्वालिफाई ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें पासिंग मार्क्स 40% टोटल मार्क्स विल बी मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट, मतलब आपके जो पासिंग मार्क्स है वो 40% से ऊपर होने चाहिए, मतलब आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो 40% चाहिए, और बाकी जो आपके मार्क्स हैं वो सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होंगे, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यहाँ जो लिखी है दिस कोर्स बी ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए है कोर्स, हु कैन रीड राइट एंड द विल अंडरस्टैंड द हिंदी और इंग्लिश, बट दोज हु वांट टू सर्टिफिकेट शुड बी हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th, मतलब उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है जिसको हिंदी और इंग्लिश समझ आती हो, पढ़नी आती हो, लिखनी आती हो। और उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन 10th तो होनी ही चाहिए। तो आगे हम फीस देख लेते हैं, द फीस फॉर द एंटायर सर्टिफिकेट कोर्स की जो कि 12,500 रुपये फीस है इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। आगे फिर डिप्लोमा कोर्स की जो है वो है 25,000 रुपये पे इन द 2 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा, मतलब आप इस इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स 12,500 रुपये फीस है वही इंक्लूडिंग एग्जाम एंड सर्टिफिकेट, बाकी एडवांस डिप्लोमा कोर्स विल भी, और बाकी फिर डिप्लोमा कोर्स जिसकी 25,000 रुपये फीस है जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में और इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा, इसमें वही है आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट इन योग विद्या एंड वन ऑफ द वर्क प्रोफेशनल टू, मतलब उसके बाद आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद एज अ प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। बट आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वन शुड कीप नॉलेज एंड स्किल, मतलब आपको अपनी नॉलेज और स्किल भी डेवलप करती रहनी चाहिए प्रोफेशनली, आप तो आप काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने जो है नॉलेज बढ़ाती रहनी चाहिए, क्योंकि योग बहुत डीप में है, जितना कम सीखेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना लर्न करेंगे उतना ही कम है। बाकी कुछ साइलेंट फीचर्स भी दे रखे हैं जो कोर्स के रिगार्डिंग है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं बिसाइड फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ लार्ज बेनिफिट और फ्रॉम दिस कोर्स, कोर्स को करने क्या क्या फ़ायदे हैं वो बता रखा है यहाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये ऑल द मेजर ऑफ स्ट्रीम ऑफ द योगा एंड थॉट हट क्रम ज्ञान भक्ति अष्टांग एट्सेट्रा एंड द थोरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेज जो आपको मैंने पहले बता दिए होंगी, थ्रू प्रैक्टिकल क्लासेज यम नियम आसन प्राणायाम क्रियाज मेडिटेशन सूतीज थॉटिकल इनपुट्स एंड थॉट विद द इनहेंस ऑफ द भक्ति योग एंड परम द ऑफ गॉड। तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं पूरा, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक बता रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ
विद द रेसिडेंट एड्रेस, मतलब आपको वो देना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, उसका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा आपको, और आपको 2 फोटोग्राफ, 1 फॉर द आइडेंटिटी कार्ड एंड द अदर ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे 2 फोटो देनी होगी, जिसमें एक आपको आइडेंटिटी कार्ड के लिए होगी, दूसरी जो होगी वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ दे सकते हैं, नंबर दे रखे हैं, आप किसी भी नंबर पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। कोर्स डायरेक्टर जो है उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ दे रखा, आप या फिर व्हाट्सअप भी करके उनसे पूछ सकते हैं। तो भारतीय विद्यावन में जो योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में लगभग मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट का, चाहे मैं देर से करूं मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो इस तरह से आप भारतीय विद्यावन में एडमिशन लेकर योग में करियर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार योगीज़।